एक गाड़ी से न उठती देख लो एक बार, कोई है तो नहीं अंदर। पुलिस के पास 9:15 के आसपास एक सूचना आई थी कि एक आजमगढ़ से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस डबल डेकर स्लीपर बस है, उसके पलटने की सूचना थी। सूचना पर जिलाधिकारी महोदय तथा मेरे द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के वहां के रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करवाया गया था। वहां पर रेस्क्यू के दौरान सभी लोगों को बस से निकाल लिया गया है। अभी जिला अस्पताल में मेरे तथा जिलाधिकारी महोदय द्वारा जब आके सारी जांच पड़ताल की गई तो निकल के आए हैं कि कुल इसमें 26 लोग इंजर्ड हुए थे और जिसमें से अभी तक एक कैजुअल्टी है और 2 लोगों को मेडिकल कॉलेज हेतु रेफर किया गया है। वहां पर मौजूद सभी स्थानीय लोग तथा मीडिया कर्मियों के सहयोग से एक स्विफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, ड्रायज किया गया तथा ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए वहां पर जितने इंजर्ड थे उनको जिला अस्पताल भिजवाया गया, जिसके कारण जो है अभी तक हम लोग इस पूरे रेस्क्यू को करने में सफल रहे हैं और शेष जो अभी बीमार घायल लोगों का अभी इलाज चल रहा है। आज आजमगढ़ से दिल्ली के लिए एक स्लीपर डबल डेकर बस जो थी वो जा रही थी और वो रास्ते में जनपद अंबेडकर नगर में साइड में बनी हुई जो खंती होती है उसमें जाकर पलट गई और उसमें जो हम लोगों ने तुरंत खबर जैसे लगी है पूरी जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन आरंभ कर दिया और उसमें से हम लोगों ने जो 26 लोग टोटल निकाल के हॉस्पिटल लाए हैं उसमें से एक कैजुअल्टी हुई है। बाकी 3 लोग जो ऐसे हैं जिनको कि जो सीरियस नेचर के हैं उनमें से एक को हम लोगों ने KGMC में और एक को मेडिकल कॉलेज में भेज दिया है और बाकी लोगों जो हैं उनकी स्थिति ठीक है और उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे ड्यूटी पे थे इसके अलावा जो आसपास पे तैनात थे उनको बुला लिया गया है जिससे कि कोई भी तत्काल सबको जो है उपचार उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा जो बस पलटी है तो उसमें जैसे खबर लगी हम लोग पूछे 8 लोग उसके अंदर थे, जिसके बाद वहाँ पे एडिशनल SP और SP साहब के जो दिशा निर्देश में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, सभी को उसमें से बाहर निकालकर यहाँ पर लाकर इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। इसके साथ साथ जो हाइड्रा और अन्य मशीनों की मदद से जो है उस बस को निकाल के सड़क पे कर लिया गया है और जो इस वक्त जाता है नॉर्मल पे चल रहा है और सभी को कड़े निर्देश दिए गए हैं CMO साहब को उनकी पूरी टीम को कि जो भी घायल है उनका कायदे से अच्छी तरह से उनको इलाज कराया जाए और उसमें कोई कमी ना रखी जाए। एक जो बिटिया थी जो आजमगढ़ से दिल्ली जा रही थी और वो अकेली थी तो उसके घर जो फ़ोन नंबर लेके पेरेंट्स से उनको भी खबर कर दी गई है कि वो यहाँ से आजमगढ़ से चल चुके हैं यहाँ पे आने वाले हैं। इसके अलावा जो बाहर अगर किसी को CMO साहब को सख्त इस बात के निर्देश दें अगर कहीं से उनको लगता है कि कोई जो हमारा पेशेंट इस वक्त है कोई सीरियस नेचर का होता है तो उसको चाहे तो वो लखनऊ भेज दें अथवा जो यहाँ पर KGMC है या